तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं, राइट। तो एक ऐसा स्फेरिकल एक हमने शेप बॉडी ली जिसमें कि हमने एक ट्रायंगुलर वेज एक रिफ्लेक्टर लगाया जिससे कि कोई भी रेज बाहर नहीं निकल पा रही है। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या चीजें समझ में आती है कि हम किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी कब बोल सकते हैं। ब्लैक बॉडी क्या सिर्फ ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट एक सवाल खड़ा हो सकता है कि वो क्या ब्लैक कलर की होगी तो ब्लैक बॉडी होगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है कि ये आप जो स्फेयर बनाएंगे तो इसके अंदर आप ब्लैक पेंट से कोटिंग कर देंगे क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर इज द गुड एब्जॉर्बर, वो तो ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी नेसेसरी ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली में द कलर ऑफ द बॉडी, भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर बॉडी ये फिनोमिना शो करती है कि वो सभी की सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है एंड सारी की सारी वेवलेंथ को एमिट भी कर सकती है एट हायर टेम्परेचर्स, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी कलर बेसिस पे हमने नहीं चुना है, ब्लैक बॉडी हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन बेसिस पे, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और एमिशन बेसिस पे जो एक हायर एक स्टैंडर्ड होता है, एक आइडियल बॉडी होती है, उसको करके चुना हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है फंडा कि भाई ब्लैक बॉडी क्या होती है। इट इज एन आइडियल बॉडी ऑफ टू एमिट विच कैन एमिट ऑल द रेडिएशन एंड एट हायर टेम्परेचर्स एंड कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन एट लोअर टेम्परेचर्स, राइट। सो आगे देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वॉज एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी। तो बच्चों यहां पे ठीक है, तो एमिसिविटी एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस से और एब्जॉर्प्टिविटी, तो ठीक है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्टिविटी से। ये क्या है, बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ पावर, इट इज अ रेशियो ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी अपॉन पावर इंसिडेंट ऑन द बॉडी, राइट। तो बच्चों अगर बात करें कि भाई पावर एब्जॉर्ब कर जाए, पावर क्या होती है, पावर क्या होगा, लेट्स से इफ दिस इज अ बॉडी देन अगर हम इस पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, रेडिएशंस में एनर्जी होती है, राइट। एच न्यू आप एक फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं, तो रेडिएशन जो फॉल करती है तो दैट पावर पावर कैन बी टर्म्ड एज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर इंसिडेंट। जो हम क्या बोल सकते हैं, ये पावर इंटेंसिटी जो कि बॉडी पे फॉल हो रही है, राइट। सो बॉडी पे जो भी इंसिडेंट है उसमें से बॉडी ने जितनी एब्जॉर्ब करी दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी। तो अब आप यहां से बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर अ ब्लैक बॉडी अगर मैं एब्जॉर्प्टिविटी को एक स्मॉल ए से दिखा दूं तो फॉर अ ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल्स टू वन, बट फॉर अ जनरल बॉडी वी विल से ए इज लेस देन वन, राइट। ए क्या होगा, वन से छोटा होगा फॉर अ जनरल बॉडी। नाउ लेट अस मूव फॉर द एमिसिविटी। एमिसिविटी थोड़ा सा आपको ध्यान से ज्यादा पढ़ना है, मतलब एब्जॉर्ब कि ये थोड़ा सा इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, टेम्परेचर फैक्टर। आपको पता है कि एमिशन कब होता है रेडिएशन का, जब टेम्परेचर बॉडी का सराउंडिंग से ज्यादा हो। तो व्हाट इज एमिसिविटी, एमिसिविटी को बच्चों हम ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई से। तो दैट ई इज पावर इंसिडेंट पावर एमिटेड बाय अ बॉडी एट टी टेम्परेचर अपॉन पावर एमिटेड बाय अ बॉडी एट बाय ब्लैक बॉडी,
बाय ब्लैक बॉडी एट टी टेम्परेचर। तो भाई यहाँ पे चलो हमें ये पता चल गया कि एमिशन कब चलता है, एब्जॉर्प्शन कब चलता है, बट द पॉइंट इज अभी हम यहाँ पे बताएं, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन साइमल्टेनियसली हमेशा हर पॉइंट पे चलता रहता है हर एक टेम्परेचर पे। तो अगर मैं एमिशन की ही बात करूँ तो कोई भी बॉडी, ब्लैक बॉडी, एक हमने ब्लैक बॉडी ली टी टेम्परेचर पे, एक हमने जनरल बॉडी ली टी टेम्परेचर पे, तो एक जनरल बॉडी कितनी पावर एमिट करेगी और ब्लैक बॉडी कितनी पावर एमिट कर रही है। इन तो ध्यान दें, इन पे दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी सेम, दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि एमिसिविटी इस पर्टिकुलर बॉडी की इतनी है। ठीक है, तो जनरल बॉडी एंड ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज टी, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो उन दोनों सेम टेम्परेचर पे कौन सी बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी जितना पावर एमिट कर रही है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द पावर, एंड जनरल बॉडी जितना पावर एमिट कर रही है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट, उन दोनों का रेशियो विल टेल अस द एमिसिविटी। सो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी के लिए तो हम यहाँ पे ऊपर ब्लैक बॉडी लिख देंगे, ब्लैक बॉडी के लिए तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1। सो नाउ यू आर गेटिंग द इट राइट कि भाई ब्लैक बॉडी के लिए ई 1 होगा, जैसे कि एब्जॉर्प्टिविटी ब्लैक बॉडी के लिए 1 थी। नाउ बट ई इज लेस देन 1 अगर हम किसकी बात करें, ई 1 से कम होगा अगर हम जनरल बॉडी की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली पावर जो एमिट होगी टी टेम्परेचर पे कोई भी जनरल बॉडी सारी तो नहीं एमिट कर देगी। ठीक है, सारी वेवलेंथ नहीं एमिट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ दिस मार्कर इज ब्लू टू यू, ठीक है, तो ये मार्कर ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, यानी इस मार्कर ने क्या किया है कि भाई सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है बट एक वेवलेंथ एमिट करी है। ठीक है, यानी सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हुई, ब्लू कलर की वेवलेंथ एमिट हुई है एट टी टेम्परेचर, बट अगर यहीं पे ब्लैक बॉडी होती तो वो क्या करती, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेती। लेट से इफ दिस मार्कर इज अ ब्लैक बॉडी, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, कलर इसका यही रहने देते हैं, लेकिन जब रेडिएशन इस पे फॉल होगी और ये एब्जॉर्ब कर जाए और एक भी वेवलेंथ आप तक ना आ पाए, ठीक है, देन यू विल से कि भाई ये एक ब्लैक बॉडी है बट दिस इज ब्लू, क्योंकि ये एक ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ब्लू कलर क्यों निकाल रही है, क्योंकि मतलब सॉरी ये ब्लैक बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से ब्लू कलर की वेवलेंथ आपकी आंखों में आ रही है, राइट। सो तो इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी एंड ई इज लेस देन 1 फॉर अ जनरल बॉडी, राइट। सो अगर मैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन की, जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा होता है, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज भाई इस तरीके से कि ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर अभी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, तो आप क्या बोलोगे कि यार जितना इससे एमिट हो रहा है उतना ही रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑब्वियसली, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑब्वियसली सेम रेट पे हो रहे हैं, सेम रेट, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, राइट। लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अपोजिट, सो अब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन आर हैपनिंग ऑन द सेम रेट बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, दैट्स व्हाई इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जितना एमिट हुआ उतना ही एब्जॉर्ब हो गया। बट अगर यहीं पे मैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ा दूं तो एमिशन ज्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और यहीं पे अगर मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, बॉडी यानी एमिशन बॉडी का कम हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई किस टाइम पे एब्जॉर्प्शन होगा, किस टाइम पे एमिशन होगा, लेकिन लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पे एब्जॉर्प्शन का रेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रेट ऑफ एमिशन। ठीक है, नाउ तो यहां पे हमने बच्चों क्या देख लिया है, यहां पे हमने देख लिया है कि भाई एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन कब कब होता है, एब्जॉर्प्टिविटी किस तरीके से डिफाइन होती है, ए इज लेस देन 1 फॉर ऑल द बॉडीज, फिर उसके बाद हमने देख लिया कि भाई एमिसिविटी क्या होता है, इट इज द पावर एमिटेड बाय द बॉडी एट टी टेम्परेचर अपॉन द पावर एमिटेड बाय द बॉडी ब्लैक बॉडी एट टी टेम्परेचर, राइट। नाउ नाउ